पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। महेशचंद अग्रवाल मेरा नाम है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कि कभी हार नहीं माननी चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर हार मान गया तो वो कभी सफल नहीं होगा। मेरी पत्नी का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग था। चलने को तो मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ, चलने को तो मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मेरा जन्म 8 जनवरी 1960 को हुआ था, नंदगांव बरसाना के नज़दीक खायरा गांव में। मेरे माता का नाम जयदेवी और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय ओम प्रकाश साहा, और हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा मैं हूँ, 1 सिस्टर है। मेरे छोटे भाई का नाम है सुरेश चंद, उससे छोटे भाई का नाम है नरेश चंद, और मेरी सिस्टर का नाम उर्मिला। सब इंडिपेंडेंट अपने कारोबारों में लगे हुए रहते हैं। बचपन में शरारत नहीं करता था मैं, किसी का भला हो सके उस काम को करता था मैं, किसी से छेड़खानी नहीं करता था मैं, अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तो उसको भी मैं समझाता था ऐसा ना करो। भाई बहनों में मेरा बहुत अच्छा प्यार था, भाई बहनों के साथ रहता था, खेलना कूदना, भाई बहनों के साथ जंगल में भी ले जाया करता था। मेरी शिक्षा गांव से ही हुई, बाद में मेरी शिक्षा इंटरमीडिएट कोसी कला से हुई शहर में आके। इंटरमीडिएट के बाद में मैं एक संघ के प्रचार के लिए चला गया था, 2.5 साल में संघ का प्रचारक रहा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मेरी वापसी हुई, मैं एस्कॉर्ट प्लांट 1 में जॉब कर रहा था, वहाँ उद्योग मंत्रालय के सीनियर ऑफिसर आए हुए थे और उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप हमारे कॉलेज में आएँ, अभी तुम विद्यार्थी हो, आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, हम आपको कोई शिक्षा देंगे। उनके कॉलेज में गया, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर सोनी जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मेरा इंटरव्यू लेने के बाद कि आप चश्मे का कोर्स करो, ऑप्टिकल लाइन में जाओ। मैंने कभी नहीं सोचा बचपन में और कि मैं चश्मे की लाइन में जाऊंगा, मैं ऑप्टिकल लाइन में जाऊंगा। फिर मैंने वहाँ से ये पढ़ाई करने के बाद अपना काम शुरू किया। शुरुआत की मैंने तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फाइनेंस की रही, तो जो मैंने जॉब की उसी से ही मुझे पैसा प्राप्त हुआ, और उसके बाद मैंने बिजनेस किया तो बहुत थोड़े उससे बिजनेस शुरू किया, और उसके आधार पर मैं बिजनेस बढ़ाता चला गया। जो शुरुआत जब मैंने की तो मैंने इंडस्ट्रीज लगाई थी, मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू किया था, लेंस मैन्युफैक्चरिंग का, पब्लिक डीलिंग का नहीं था मेरा। 1995 तक मैंने मैन्युफैक्चरिंग की, वर्कशॉप लगा के रखी। 1995 के बाद मैंने रिटेल काउंटर अपना शुरू किया, मुझे लगा कि अब मैं दूर दराज भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ दूसरे स्टेटों में, दूसरे शहरों में, और अब मैं बैठ के ही काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया शहर के अंदर ही। 1996 में अपनी दुकान शुरू कर दी, क्योंकि आज 25-26 साल हो गए, उसी लाइन में ही शुरू की। 25 साल में बहुत चेंज आया,
उस टाइम में गिलास मैन्युफैक्चरिंग थी, गिलास लेंस ही डलता था, और वो 20 साल के अंदर लेंस चेंज हो गए और बहुत चेंज आया लेंसों के अंदर भी। प्लास्टिक लेंस आए, CR39 आया, उसमें बहुत चेंज, फोटोक्रोमेटिक भी आने लगा, एंटी फॉग आने लगा, यूवी आने लगा, बहुत चेंज आया लेंस के अंदर, यानी बड़ी क्रांति आई 25 साल के बाद। आज के ज़माने में कस्टमर ब्रांडेड की तरफ बढ़ता है। उस ज़माने में ब्रांडेड बहुत कम था, लोकल लेंस हुआ करता था, लोकल फ्रेम ही हुआ करते थे। आज का ज़माना है, अगर कस्टमर लेता है तो ब्रांडेड ज़्यादा चाहता है, लेंस भी और फ्रेम भी, पूरा चश्मा ब्रांडेड में ही लेना चाहता है। मेरी शादी 86 में हुई, मेरी पत्नी का नाम मिथिलेश अग्रवाल है। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी का बहुत बड़ा सपोर्ट था, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और तू जरा साथ दे तो कुछ और बात है। चलने को तो मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ, चलने को तो मैं एक पैर से भी चल सकता हूँ, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो मेरी पत्नी का मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग था, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया। बच्चों की परवरिश में बहुत बड़ा सहयोग था। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी की शादी हुई, उनके पति जॉब करते हैं पूना में, उनसे छोटा मेरा बेटा है जो मेरा बिजनेस संभालता है, हरीश अग्रवाल, उनसे छोटी मेरी बेटी है कोमल जो अभी पढ़ाई कर रही है। मुझे अपने माता पिता से सेवा कार्यों में कार्य करने के लिए मिले, सामाजिक संगठनों से वो जुड़े रहे थे, उन्हीं के माध्यम से हम सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि रहती थी, इसलिए उनके माध्यम से मैं धार्मिक कार्यक्रमों में मेरा जाना आना हुआ। मुझे शादी के बाद अधिक प्रेरणा मेरी पत्नी से मिली, एक्स्ट्रा जानकारी, जैसे मैं संगीत की दुनिया में चला गया तो मेरी पत्नी मुझे लेके गई एक गुरु के पास कि आप संगीत सीखो। तो मैंने 3-4 साल संगीत सीखा, और क्लासिकल शास्त्रीय संगीत सीखा। अगर मन परेशान है तो संगीत मन को शांत कर देता है, मेरी पत्नी ने मेरे से कहा। जब मैं संगीत सीखने गया तो मुझे जो गुरु मिले उनसे बहुत प्रेरणा मिली मुझे, उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, जो मैंने दिया वो स्वीकार किया उन्होंने। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे मार्गदर्शन बहुत कुछ सिखाया। बचपन में सुरेश जी आए थे, मिले थे मुझे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। सफलता के मूल मंत्र हैं कि कभी हार नहीं माननी चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर हार मान गया तो वो कभी सफल नहीं होगा, और ये सोच के अपना काम करता रहे कि हो सकता है अगला काम मैं और अच्छा करके दिखाऊं। मुझे अटल जी की 2 लाइनें याद आ गई हैं, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। मेरे जीवन में बहुत चुनौतियाँ आई, बहुत बड़ी चुनौतियाँ आई। मैंने बचपन में मजदूरी भी की, जो आज मैं बता रहा हूँ, जो कभी नहीं बता सका मैं। अपने काम करने में भी बड़ी चुनौतियाँ आई मुझे। चुनौतियों को फेस करने के लिए गुस्सा और अहंकार नहीं होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, मन के अंदर समरसता होनी चाहिए, स्वभाव में मिठास होनी चाहिए,
क्योंकि एक तरफ चुनौतियाँ हैं और दूसरी तरफ मिठास रखो, समरसता रखो, समाज में उन चुनौतियों को दूर करने के लिए एक यही माध्यम है। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, आंधी बरसात तूफान कुछ भी हो, मैं 6 बजे प्रातः उठ जाता हूँ। फ्रेश होके मैं पार्क में घूमने चला जाता हूँ, सभी के साथ मिलता जुलता हूँ, सभी मिलते जुलते हैं, योगा वगैरह कराता हूँ, उनको भी फिट रखता हूँ, खुद भी फिट रहता हूँ, उनको हंसाता हूँ, खुद भी हंसता हूँ। और उसके बाद जैसे कार्यक्रम रहते हैं मेरे, जहाँ जाना है, बेटे का सहयोग करना है दुकान पे आ जाऊँगा, कहीं बाहर जाना है तो बाहर चला जाऊँगा, सामाजिक कामों में मैं लगा रहता हूँ। सबसे बड़ा अच्छा जीवन है मानव जीवन, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, इससे अच्छा और क्या होगा जीवन के अंदर। और इतने अच्छे जीवन के अंदर खाली अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए भी तो जीना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर मैं 7 दिन के लिए टूर बना के ले गया परिवारों को, सभी देवियों पे, पंजाब बॉर्डर पे, बाघा बॉर्डर, अमृतसर, सभी मैं घूमने जाता हूँ तो समाज के लोगों को इकट्ठा करके ले जाता हूँ, मेरा ये शौक है। थोड़ा धार्मिक स्थलों पे अयोध्या, बनारस, चित्रकूट, हरिद्वार, ऋषिकेश, बहुत जगह। मेरी हॉबी है खुश रहो और सामने वाले को खुश रखो, किसी के साथ बुरा मत करो, जो आगे वो बद्दुआ दे, अगर हम बुरा करेंगे तो उसका असर ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। मुझे गाने सुनने का शौक है तो उसके अंदर मैं हर गाने के अंदर कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। पुराने जो गाने सुनता हूँ मैं, मेरे पसंदीदा सिंगर रहे मुकेश, मुकेश के गीत मुझे बहुत पसंद आते रहे। उन्होंने मेरा नाम जोकर में भी गीत गाए, तो वो जितने भी गीत थे वो हृदय को छूने वाले गीत थे। सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म, उसमें जाति, जात पात पंथ वो कुछ नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। मुझे एनर्जी समाज के लोगों से ही मिलती है, सेवा कार्यों से ही मुझे एनर्जी मिलती है। मैं सेवा करता हूँ, उनकी दुआएं भी मुझे मिलती हैं। कुष्ठ रोगी शहर में, जहाँ कोड़ी कॉलोनी कहते हैं उसको, उनसे छुआछूत रखते हैं लोग, मैं उनको कहूँगा कुष्ठ रोगी, उनके बीच में मैंने सेवा की। जब मैं उनके बीच में गया तो शहर के पत्रकार बंधु बहुत आए वहाँ, उन्होंने देखा और मैंने कहा ये छुआछूत बीमारी नहीं है, इनके बीच में इनका इलाज करो। उन लोगों की मैंने आंखें चेक कराई, उनको चश्मे दिलवाए, उनके ऑपरेशन कराए। तब मैंने उनसे पूछा कि ये काम किसी और ने किया कभी, तो बोले हमारे जीवन में कोई नहीं आया इस सहयोग के लिए जो आपने सहयोग किया है। तो कुष्ठ रोगियों के बीच में मैंने सेवाएं दी और मुझे भी अच्छा लगा और उन लोगों ने बड़ी दुआएं दी। लॉयंस क्लब से मैं 5 साल पहले जुड़ा था और लॉयंस क्लब में मैंने 1 साल के बाद मुझे प्रेसिडेंट बना दिया। उसके माध्यम से मैंने सरकारी स्कूलों में कैंप लगाए, बच्चों की को दवाइयाँ, चश्मे ये प्रोवाइड कराए मैंने लॉयंस क्लब से। शहर के जो लगभग 35,000 बच्चों की आंखें चेक करवा दी थी मैंने, जिनकी रेटिना वीक थे उनके इलाज भी हुए। और ये एक मिशन था कि बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान कम देते हैं, गरीब बच्चे होते हैं,
तो उन डॉक्टरों की टीम के द्वारा उन बच्चों का सही इलाज हो सका। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी हमने लगाए, अभी हमने 20 दिन पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, उसमें 140 बच्चों ने डोनेट किया ब्लड। लॉयंस क्लब से पहले मैं श्री गोपाल गौशाला है फरीदाबाद में, जिसमें 1200 गाय हैं, उस संस्था का भी मैं फाउंडर मेंबर हूँ। उससे पहले राजस्थान भवन है मारवाड़ी समाज, उससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। उससे पहले मैं मानव सेवा समिति से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जिसमें गरीब बच्चों की शादियाँ, गरीब बच्चों की सहायता के लिए इलाज, अनेकों सेवाएं वो देते हैं। मैं चाहता हूँ गरीबों के लिए, अनाथों के लिए एक चैरिटी, अच्छा हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सेवाएं दे सकूं मैं। शहर में ही नहीं, जहाँ जहाँ तक मैं देना चाहूँ, मेरा ये सपना है कि पशु पक्षी जानवर उनको भोजन प्रोवाइड करा सकूं, मेरा ये सपना है। सपोर्ट वैसे तो सभी का रहा, कोई मेरे खिलाफ नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी के साथ बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ सबका भला होना चाहिए। देश की युवा जनरेशन को मैं यह संदेश देना चाहूँगा, अपने माता पिता की सेवा करें, उन्होंने जन्म दिया है, उनको कभी ना भूलें, कभी ये ना सोचें कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता और हमें प्यार की सेवा कुछ नहीं आता। वो प्यार करें या ना करें, तुमको भी अपने माता पिताओं से प्यार करना है, और समाज में सामाजिक लोगों के साथ, पास पड़ोस के व्यक्तियों के साथ, परिवारों के साथ मिल के रहना चाहिए, और उनके साथ कभी बैर नहीं रखना चाहिए, और उनको अपने जीवन में शिक्षा अच्छे से अच्छी प्राप्त करनी चाहिए। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा पत्नी के लिए कि तुमने मेरा इतना सहयोग किया है, मैं जीवन में आभारी हूँ, और तुमने बच्चों को संस्कारित किया, मैं और भी ज़्यादा आभारी हूँ।